नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मंगलवार 17 अगस्त को अमरावती महानगर पालिका की आम सभा जारी रहने के दौरान और सदन की कार्रवाई शुरू रहने के बीच कुछ लोगों ने सदन में घुसकर न केवल सदन की कार्रवाई को बाधित किया बल्कि आम सभा में जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा भी मचाया, जिसकी वजह से आम सभा को बीच में ही स्थगित कर देना पड़ा। ऐसे में इसे लोकतंत्र के साथ साथ अमरावती महानगर पालिका के इतिहास में काला दिन कहा जा सकता है। अमरावती मनपा मुख्यालय स्थित विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में पहले से तय नियोजन के तहत मंगलवार 17 अगस्त की सुबह 11 बजे मनपा की आम सभा शुरू हुई। में प्रशासकीय विषयों पर चर्चा करने के पश्चात प्रश्नकाल चल रहा था। ठीक इसी समय बाहर कुछ हो हल्ला होना शुरू हुआ। तब पूर्व महापौर और सदन के वरिष्ठ पार्षद विलास सिंगोले आम सभा से निकलकर बाहर आए, जहां पर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ साथ मनपा की सेवा में रहने वाले अस्थायी व ठेका नियुक्त कर्मचारी भी मौजूद थे। ये सभी लोग आम सभा जारी रहने के दौरान सदन के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पार्षद सिंगोले ने समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि वे अपनी समस्याओं का ज्ञापन अथवा निवेदन दें, आम सभा में उस पर चर्चा व विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। साथ ही इस समय सभागृह के सामने उपस्थित मनपा के सुरक्षा रक्षकों ने भी इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये सभी लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और सुरक्षा रक्षकों के साथ धक्का मुक्की करते हुए आम सभा के भीतर जा पहुंचे। साथ ही पीठासीन अधिकारी पार्षदों की आसन व्यवस्था के बीच खाली रहने वाली खुली जगह पर ही जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। लगातार जारी नारेबाजी और शोर शराबे के चलते महापौर चेतन गावंडे ने सभा स्थगित करने की घोषणा की और वे सदन से बाहर निकल गए। इसके साथ ही मनपा के सभी पदाधिकारी व अधिकारी भी सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद सदन में हंगामा कर रहे आंदोलनकारी मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए आयुक्त कार्यालय के प्रवेश द्वार को खोलने का प्रयास किया। उधर आंदोलनकारियों के आमसभा से निकलकर बाहर जाते ही महापौर चेतन गावंडे एक बार फिर सदन में पहुंचे। इस समय तक अन्य पदाधिकारी भी सदन में पहुंच चुके थे, जिसके बाद आमसभा द्वारा आज की घटना और युवा स्वाभिमान पार्टी की हरकत के खिलाफ आम सहमति से निषेध प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद आमसभा एक बार फिर अगले एक माह के लिए स्थगित हो गई। मनपा की आम सभा को स्थगित करने के तुरंत बाद महापौर चेतन गावंडे, महापौर कुसुम साहू, सभागृह नेता तुषार भारती, नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, स्थायी समिति सभापति सचिन रासने तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास सिंगोले सहित गुट नेताओं व पार्षदों का एक दल शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मिलने पहुंचा। इस मुलाकात के दौरान मनपा पदाधिकारियों द्वारा आम सभा में हुए हंगामे की जानकारी सीपी आरती सिंह को देने के साथ आंदोलनकारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाए जाने और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। पश्चात सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने इस मामले को लेकर सिटी कोतवाली थाना पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अमरावती महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला माहिती असेल की सध्या कर्मचारी भरती बंद आहे, कारण शासनाचा एक नियम आहे की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा टोटल उत्पन्नाच्या 35% जास्त प्रशासकीय खर्च असेल त्या ठिकाणी नोकर भरती बंद असते। अशा काळामध्ये कामकाज सुरळीत पाडावं म्हणून आम्ही मनुष्यबळ पुरवठ्याचं एक एजन्सी नेमतो आणि त्या एजन्सीच्या माध्यमातून आम्हाला लोक प्रोव्हाइड होतात आणि त्या लोकांच्या
भरोशावर अमरावती महानगरपालिकेचं जे लहान मोठं काम आहे ते आम्ही करतो। हे करत असताना त्या एजन्सीनी काही कर्मचाऱ्यांना पैसे मागितले आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांची तक्रार माझ्याकडे दिली, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेता आणि आयुक्तांनी, आणि आम्ही त्यांना सकाळी आश्वस्त केलं होतं की आपल्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही आहे, कोणीही पैसे द्यायचं नाही आहे। हा मुद्दा होता, तरीसुद्धा युवा स्वाभिमानी सभागृहामध्ये येऊन गोंधळ घातला। सीपी डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात करने के बाद पुलिस आयुक्तालय परिसर में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए शहर के प्रथम नागरिक व महापौर चेतन गावंडे ने कहा कि आज मनपा की आम सभा में जो कुछ हुआ उसकी वजह से लोकतंत्र कलंकित हुआ है, साथ ही यह अमरावती महानगर पालिका के इतिहास में सबसे काला दिन है। अमरावती महानगर पालिकेची नियमित स्वरूपाची सर्वसाधारण सभा आज सुरू असताना सभागृहामध्ये युवा स्वाभिमानचे काही कार्यकर्ते, जवळपास 300 संख्येच्या वर कार्यकर्ते सभागृहामध्ये आतमध्ये त्यांनी प्रवेश केला आणि प्रचंड प्रमाणात त्यांनी नारेबाजी केली। या गोष्टीचा सर्व गटनेते, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते सर्वांनी निषेध केला आणि या संदर्भामध्ये दोषींवर कारवाई करण्याच्या संदर्भात आम्ही नुकतंच पोलीस आयुक्त यांची भेट घेतली आणि नियमानुसार त्यांच्यावर उचित कारवाई होईल असं आश्वासन आत्ताच आम्हाला दिलं। खरं पाहिलं तर लोकशाहीमध्ये काळीमा फासणारी ही घटना आहे आणि हा घटना कोणत्याही सभागृहामध्ये घडू नये असं ज्यांची श्रद्धा लोकशाहीवर आहे असं मानणारे आज आम्ही सर्वजण आहे आणि या संदर्भात तीव्र शब्दात त्यांचा निषेध करतो। इस मामले को लेकर मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने कहा कि मनपा प्रशासन की ओर से भी इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, साथ ही आम सभा की कार्रवाई जारी रहने के दौरान सदन के भीतर घुसकर हंगामा व शोर शराबा करने वाले ठेके पर नियुक्त मनपा कर्मियों के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयुक्त प्रशांत रोडे के मुताबिक मनपा प्रशासन को अपने कामकाज के लिए आंदोलनकारी नहीं बल्कि कर्मचारी चाहिए। वहीं मंगलवार की दोपहर करीब 4 के आसपास मनपा प्रशासन की ओर से सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया कि मनपा की आम सभा में महापौर की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है, लेकिन आम सभा का कामकाज जारी रहने के दौरान मंगलवार को करीब 50 से 100 लोगों ने मनपा के सुरक्षा रक्षकों के साथ मारपीट करते हुए आम सभा के भीतर अनधिकृत तरीके से प्रवेश किया और सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए सभागृह में उपस्थित मनपा पदाधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इसके अलावा सदन में उपस्थित महिला पार्षदों को अश्लील व भद्दे इशारे किए गए। मंगलवार को आमसभा जारी रहने के दौरान कुछ बाहरी लोगों द्वारा सदन के भीतर घुस जाने और आमसभा की कार्रवाई को बाधित करते हुए शोर शराबा किए जाने की घटना ने मनपा की सुरक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस बारे में निगमायुक्त प्रशांत रोडे का कहना रहा कि इस तरह की वारदात अमरावती मनपा के इतिहास में आज तक घटित नहीं हुई, जिसकी वजह से इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब मनपा मुख्यालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और आमसभा जारी रहते समय मनपा की मुख्य इमारत में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यापीठ अनुदान आयोग की अगुवाई में काम करने वाली नैक समिति द्वारा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का नैक मूल्यांकन करने के बाद B++ का मानांकन व 2.93 का स्कोर दिया गया है, जबकि इससे पहले विद्यापीठ का नैक मानांकन A हुआ करता था और नैक स्कोर 3.07 पर था। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस वर्ष नैक मानांकन में अमरावती विद्यापीठ थोड़ा पिछड़ गया है। इस बारे में अमरावती विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्राध्यापक डॉक्टर अविनाश मोहरिल से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि फिलहाल नैक द्वारा दिए गए मानांकन एवं मूल्यांकन स्कोर का असेसमेंट किया रहा है, जिसके बाद विद्यापीठ द्वारा अपील भी की जाएगी। डॉक्टर मोहरिल के मुताबिक अब भी विद्यापीठ के पास मूल्यांकन हेतु अपील करने का अवसर उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि नैक समिति द्वारा अलग अलग मानकों के आधार पर कुल 1000 अंकों के जरिए मूल्यांकन किया जाता है और ए मानांकन वो 3.07 के पिछले स्कोर को प्राप्त करने हेतु इस बार केवल 32 अंक कम पड़े हैं, जिनकी भरपाई पुनर्मूल्यांकन में बड़ी आसानी से हो सकती है। कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए सितंबर माह के अंत तक राज्य में स्कूल व कॉलेज न खोले जाएं, ऐसा सुझाव टास्क फोर्स द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर संजय ओक ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की शिक्षा समिति के साथ विगत 10 अगस्त को चर्चा हुई है। इस बैठक में सरकार को सुझाव दिया गया है कि सितंबर माह के अंत तक शालाओं को कतई शुरू न किया जाए और 50-50 विद्यार्थियों को एक एक दिन की आड़ में शालाओं को बुलाने के बारे में भी सितंबर माह के बाद ही विचार किया जाए। इस सुझाव का बाल रोग टास्क फोर्स के डॉक्टर सुहास प्रभु द्वारा भी समर्थन किया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं एवं कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी खिल्ली उड़ाते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा एक तरह से
नाटक है और यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं उसके लिए केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं। यदि गत वर्ष फरवरी माह के दौरान गुजरात में हेलो ट्रंप कार्यक्रम नहीं लिया जाता तो कोरोना इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैलता। विगत 30 जुलाई को केंद्रीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसके बाद महर्षि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को शाला प्रबंधन द्वारा बरती गई लापरवाही की वजह से अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति में बेहद कम अंक मिलने का मामला सामने आया था। इस संदर्भ में विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया गया था और अब पता चला है कि इस समिति द्वारा की गई जांच में शाला प्रबंधन को लापरवाह पूर्ण ढंग से काम करने का दोषी पाया गया है। यह जानकारी सामने आते ही विद्यार्थियों के अभिभावक एक बार फिर जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधीश से मिलकर कहा कि वे विगत 18 दिनों से इस मामले को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यह उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अतः महर्षि पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के अंकों का जल्द से जल्द पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और इस लापरवाही के लिए महर्षि पब्लिक स्कूल को CBSE की ओर से प्रदान की गई मान्यता को भी तुरंत खारिज किया जाए। म्हणून आज शिक्षण क्षेत्रावर जो विश्वास आहे आणि अनेक पालक आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेमध्ये टाकून चांगलं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात आणि शाळेचे मालक जे राठी आहे त्यांनी समाज कल्याणच्या आदिवासी हॉस्टेलमध्ये सुद्धा असाच घोटाळा केला, म्हणजे आदिवासी मुलांच्या जे फूड सप्लाय केले जाते त्याच्यातले सुद्धा हे पैसे खातात। या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे पर्सेंटेज कमी करून ज्या विद्यार्थ्यांचे पर्सेंटेज कमी आहे त्यांचे वाढवण्यासाठी पैसे खातात आणि त्या ठिकाणी शाळेमध्ये कुठला स्टाफ नाही आहे, म्हणजे अशा प्रकारचं एक भव्य इमारत बांधून जर शिक्षणाची व्यापारीकरण होत असेल तर मीसुद्धा या जिल्ह्यामध्ये लोकप्रतिनिधी काम करतो, या जिल्ह्याचा एक सुपुत्र आहे, मला असं वाटते अशा शाळा बंद झाल्या पाहिजे आणि चांगला जे डिसिप्लिनने शाळा चालते त्या शाळाच फक्त चालल्या पाहिजे। म्हणून या शाळेवर मीसुद्धा कारवाई करणार आहे, CBSEसुद्धा कारवाई करणार आहे आणि कलेक्टर आणि CEOनीसुद्धा कारवाई केली आहे। इस समय बेटियां जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह पर बेहद शानदार ढंग से अपने कार्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने शहर, राज्य व देश का नाम रोशन करने का काम कर रही हैं। इस समय पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के तहत अमरावती जिले की दरियापुर तहसील निवासी श्वेता शंके नामक युवती ने भी बड़ी बहादुरी के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी देशभक्ति साबित की है और 129 भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित तरीके से बाहर निकालते हुए स्वदेश लाया है। श्वेता चंद्रकांत शंके वर्ष 2017 के दौरान इंडियन एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस नियुक्त हुई थी और अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु गए इंडियन एयरलाइंस के विमान में तैनात थी, जहां से इस विमान के जरिए 129 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया है। श्वेता शंके के पिता चंद्रकांत शंके सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और श्वेता के भाई बहन मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत हैं। वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत स्थित एकलव्य तीरंदाजी अकादमी की खिलाड़ी मंजरी अलोने ने पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी स्पर्धा में व्यक्तिगत स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए अपने देश का नाम रोशन किया है। इन दोनों बेटियों द्वारा किए गए कार्य के चलते पूरे अमरावती जिले का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। विगत कुछ दिनों से अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक सुस्त हो गई है और रोजाना इक्का दुक्का कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं आज मंगलवार को अमरावती जिले में केवल एक कोविड संक्रमित मरीज पाया गया, यह विगत कई माह के बाद अब तक का सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। साथ ही मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट भी केवल 0.07% रहा। सबसे कम आंकड़े के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट भी विगत 1.5 वर्ष में सबसे कम रहा। इसे एक तरह से अमरावती जिले के जल्द ही कोविड मुक्त होने के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। वहीं राहत व सौभाग्य वाली बात यह भी रही कि मंगलवार को भी अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई है। साथ ही मंगलवार को 4 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे हैं। अब तक अमरावती जिले में कुल 96,610 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से अब तक कुल 95,004 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 24 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 20 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 9 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 21 व ग्रामीण क्षेत्र में 14 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1,364 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.07% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर पहुंच गया है।
इन दिनों घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस निकाले जा रहे हैं, किंतु यदि 40 वर्ष की आयु के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या अपने लाइसेंस का नूतनीकरण करना है तो MBBS की अर्हता प्राप्त डॉक्टर का प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य किया गया है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सारथी पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत RTO द्वारा तय किया गया शुल्क अदा करते हुए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाता है और ऑनलाइन परीक्षा देते हुए ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। लेकिन अब अधिक आयु वाले लोगों के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य किया गया है। विगत अनेक दिनों से अमरावती में 3.5 करोड़ रुपयों की नगद धनराशि बरामद होने का मामला चर्चा में चल रहा है, जिसे लेकर आयकर विभाग द्वारा गत रोज सोमवार 16 अगस्त को स्थानीय अदालत में अपना से दाखिल करना था, किंतु आयकर विभाग के वकील द्वारा अदालत में पेश होकर एक बार फिर से दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसके बाद अदालत ने आयकर विभाग को 28 अगस्त तक अपना पक्ष रखने की मोहलत दी है। ऐसे में एक बार फिर यह मामला कुछ समय के लिए आगे मुलतवी हो गया है। कोविड संक्रमण काल में सरकार की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक नियमों की वजह से बैंड पतंग मालिकों व बैंड कलाकारों पर बेरोजगारी व भुखमरी की नौबत आन पड़ी है तथा सरकार व प्रशासन द्वारा उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत अथवा सहायता प्रदान नहीं की जा रही। इस आशय का आरोप लगाते हुए अपनी व्यथाएं सुनाने हेतु जिलाधीश कार्यालय पहुंचे बैंड कलाकारों के साथ गाड़गनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले की जबरदस्त हमरी तुमरी हुई। चर्चा करायला चला म्हणलं तर तुम्हाला समजत नाही का? तुम्ही धक्का लावायचा त्यावेळेस नाही तुम्हाला मी धक्का लावत नाही। गैरकायदेशीर वर्तन करता का इथं? मारता का तुम्ही आम्हाला? मारत नाही हो, कायदेशीर कारवाई करतो तुमच्यावर। कोणती कारवाई करता? अरे करतो, तुम्ही कायद्याविरुद्ध वागता, कायदेशीर कारवाई करतो तुमच्याविरुद्ध। मला काय मजाक वाटली का? सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी तथा बैंड पथक मालिक महेंद्र सरकटे के नेतृत्व में बैंड पथक कलाकारों का एक जत्था जिलाधीश कार्यालय में बाकायदा बैंड बाजा बजाते हुए पहुंचा। इस समय थानेदार आसाराम चोरमले ने इन लोगों को जिलाधीश कार्यालय परिसर में बैंड बाजा बजाने से मना करते हुए अनुशासन बनाए रखने की कड़े शब्दों में हिदायत दी, जिसके बाद थानेदार आसाराम चोरमले व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी महेंद्र सरकटे के बीच जमकर शाब्दिक वाद विवाद हुआ। हालांकि इसके बाद बैंड कलाकारों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। माझा जय श्रीराम बँडचा धंदा आहे साहेब। माझ्या एका दुकानामध्ये जवळजवळ 40 लोक काम करतात, जय श्रीराम बँड गांधी चौकामध्ये। त्या 40 लोकांपैकी साहेब, 40 लोकांपैकी आम्ही जे धंदा करतो बँडचा, गेल्या 19 महिन्यापासून धंदा बंद आहे साहेब आमचा। आम्ही कलेक्टर साहेबांना आतापर्यंत मोर्चे काढले, निवेदन दिलेले 19 निवेदन दिले राज्यपाल साहेबांपर्यंत, परंतु आतापर्यंत आमची कोणतीही आमची अट मान्य केली नाही। त्याच्यात दुसरा प्रश्न असा आहे की साहेब, त्याच्यातली 3 लोक मेले आमचे बँडवाले। आम्हाला सरकारला आम्ही निवेदन दिले, परंतु आतापर्यंत काही कोणत्याही प्रकारची आम्हाला सुविधा मिळाली नाही। आम्ही आतापर्यंत 2 घोडे मेले आमचेवाले, एवढे लोक अन्याय करून राहिले आमच्यावर, हे लोक सरकार ते आमच्यावर। आम्ही मुख्यमंत्र्यापर्यंत निवेदन दिले, परंतु आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा आमच्यावर आम्हाला न्याय मिळाला नाही। तलेगांव शमशेरपुर पगडंडी मार्ग का कार्य तत्काल पूरा करने की मांग को लेकर गांव के निवासियों द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया और विगत अनेक वर्षों से प्रलंबित पड़े इस पगडंडी मार्ग का काम जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। हाईटेक की ओर से मंगलवार को राज्यव्यापी मोबाइल वापसी आंदोलन किया गया, वहीं पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। इस समय आरोप लगाया गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कामकाज के लिए प्रशासन की ओर से दिया गया मोबाइल काफी घटिया किस्म का है और मोबाइल काफी पुराना हो जाने की वजह से उसमें लगातार खराबियां आ रही हैं, अतः सरकार ने सभी पुराने मोबाइल वापस लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आधुनिक मोबाइल देने चाहिए। मोर्शी तहसील के शिरदस ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्टोन क्रशर प्लांट के कार्य को अनुमति नहीं देने की मांग को लेकर शिरदस गांव वासियों द्वारा जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि स्टोन क्रशर बनने के बाद यहां से उड़ने वाली धूल से गांव के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यहां उपयोग में लाए जाने वाले भारी वाहनों से रास्तों की हालत भी खराब होगी, अतः स्टोन क्रशर को अनुमति न दी जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गंदगी मुक्त गांव में घन कचरा प्रबंधन कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए जिले की 10 ग्राम पंचायतों को गंदगी मुक्त ODF+ घोषित किया गया है। इसके तहत वरूड तहसील के धनोडी सावंगा, चांदूरबाजार तहसील के गोविंदपुर, धामनगांव रेलवे तहसील के बोरगांव निस्ताने, अचलपुर के सावली दापुरा, अमरावती तहसील के पारडी, मोर्शी तहसील के लेहगांव सावरखेड, नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मोखर तथा अंजनगांव सुरजी तहसील के शिरगवान गाँव का समावेश है। बडनेरा शहर से पास ही स्थित बेलोरा गांव में प्रहार वन्य जीव संगठन एवं वन विभाग के नेतृत्व में 12 फीट की लंबाई वाले एक अजगर को जीवनदान दिया गया और इस अजगर को सुरक्षित तरीके से जंगल क्षेत्र में ले जाकर छोड़ा गया।
अपने दोस्त की मृत्यु की खबर सुनने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे युवक ने अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण होने के बाद दांडगांव से सटकर बहने वाली वर्धा नदी में नहाने के लिए छलांग मारी, किंतु नदी में पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगा पाने की वजह से यह युवक नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की शिनाख्त प्रवीण उर्फ पंडरी चिंचोलकर के तौर पर हुई है। इससे पहले विगत दो दिनों के दौरान अमरावती जिले से समूचे विदर्भ क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में कुल 9 युवकों की पानी में डूब जाने की वजह से मौत होने के समाचार सामने आए थे। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक अनिल मुले आत्महत्या मामले में अब पुलिस द्वारा मृतक पीएसआई अनिल मुले के मोबाइल की सीडीआर डाटा की जांच की जाएगी। इस हेतु साइबर पुलिस से एक वर्ष का सीडीआर डाटा मंगाया गया है। ऐसी जानकारी शहर पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई है। परतवाड़ा पुलिस के डीबी स्क्वाड ने सागौन की तस्करी करने वाले एक ट्रक को पकड़कर करीब 7 लाख रुपए का माल बरामद किया है। यह ट्रक अवैध रूप से सागौन लेकर सिरजगांव की ओर जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब रेस्ट हाउस चौक पर नाकाबंदी के दौरान रोकने का इशारा किया तो ट्रक रुका नहीं। ऐसे में पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और कठोरा गाँव के पास इस ट्रक को बरामद किया गया। यवतमाल जिले की आड़नी तहसील अंतर्गत अंजी नाईक गांव के निवासी रविंद्र धनसिंह राठौड़ के निवास पर आयोजित पोथी वाचन कार्यक्रम के बाद हुए महाप्रसाद में भोजन करने के उपरांत 40 लोगों को उल्टी व जुलाब की तकलीफ होने के बाद मंगलवार की सुबह स्थानीय अदालत में भर्ती किया गया, जिसमें से एक महिला की स्थिति गंभीर रहने के चलते उसे यवतमाल रेफर किया गया। विष बाधा होने के चलते एक साथ 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की वजह से अस्पताल में नातेदार और रिश्तेदारों की भारी भीड़भाड़ इकट्ठा हो गई और यहां पर काफी गहमागहमी वाला माहौल रहा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।